होशियारपुर के वार्ड नंबर 42 के मोहल्ला कमालपुर में शक्ति सेवा समिति की तरफ से प्रधान अमरजीत शर्मा की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड के पार्षद सुरेश भाटिया बिट्टू को मोहल्ले में पिछले 5 सालों से करवाए गए विकास कार्यों के लिए मोहल्ला निवासियों, महिला विंग तथा युवाओं की तरफ से ढोल धमाकों के साथ मुँह मीठा करवाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पार्षद सुरेश भाटिया बिट्टू ने कहा कि मोहल्ला कमालपुर उनकी जन्मभूमि है, इसका विकास करवाना उनका फर्ज है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से कमालपुर निवासियों ने उन्हें पार्षद चुना था और 2020 तक उन्होंने मोहल्ले की डटकर सेवा की तथा मोहल्ला निवासियों ने भी उन्हें खूब प्यार दिया है। इस मौके पर उन्होंने मोहल्ला निवासियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे अपने वार्ड को अपने परिवार की तरह देखते हैं। इस अवसर पर प्रधान अमरजीत शर्मा ने कहा कि पार्षद सुरेश भाटिया बिट्टू ने मोहल्ले में बिना किसी भेदभाव से रिकॉर्ड तोड़ विकास करवाया है। बिट्टू भाटिया जी सारे इत्थे श्री सुरेश भाटिया जी जिन्होंने असी बिट्टू बड़े प्यार नाल कहा जाता है, उन्होंने एमसीशिप जिहड़े 5 साल पूरे किए हैं, उन्होंने बहुत ही सक्सैसफुल बहुत ही कामयाबी तरीके नाल इन्होंने 5 साल इत्थे पूरे किए हैं। असी इन्हों बहुत बहुत बधाइया देते हैं ते असी अगे भी इन्हां वास्ते असी आस करते हैं कि यही साडे एमसी बन के आन, जो साडे वार्ड वास्ते वार्ड नंबर 42 लई बहुत ही उच्च दर्जे के काम किए हैं। किसी ने कोई कंप्लेंट का मौका नहीं दिता, जो भी इन्हों को चाहिए है एक मिनट के पहुँचते हैं तो सारे के काम पूरे करते हैं। असं इन्हों बहुत बहुत बड़ा ही खुशी का माहौल है। 5 साल की मैं कहना है इन्हों की सक्सैसफुल शुरू तो शुरू हो गई सी जो तो एमसी बने। एमसी तो पहला भी बतौर एमसी तरह विचरते सके, जो एमसी बने आ मेरा ख्याल पे कारपोरेशन के काम नहीं है, इन्होंने जोड़ा महल कम किए घरेलू तौर पर किए आ परिवारक तौर पर किए आ। जो भी किसी भी तरह काम की लौड़ सी ये हर टाइम भमा रात हो दिन हो उस टाइम हाजिर होंगे सके, जिन्ना भी जथा शक्ति सी अपनी पूरी ला के इन वो काम किए आ। अज का जोड़ा प्रोग्राम है ये बिना महल्ले निवासियों वालों उन्होंने सम्मानित किया जा रहा है, बिना किसी यह राजनीतिक तौर पर या धर्म भेदभाव तो बिना सारे ने एक रल के जोड़ा उपराला किया उन्होंने सेवावान का सम्मान करके उन्होंने अवार्ड किया जाए। बिट्टू भाटिया यही शखीयत ने मैनू एक गल याद आती है, एक बार मैं बैठा सगा कोल इन्हों एक एमसी का सुनेहा आया, अह मेरे झंडे नहीं लगे होर किसी वार्ड के, मैं बड़ा हैरान होया। मैं क्या इतने तो झंडे जड़े आ जो घर के किसी कीर्तन में होंगे तम ही लग जाते तो उस टाइम फोन किया नहीं वो कार्रवाई की, कहिंदा मैं पूछया की गल, कहिंदा मैं क्या देखो तुहाडी कार्रवाई तो उहदी कार्रवाई का फर्क, तो वो एमसी झंडे नहीं लगे इन्होंने कहने की लोड़ नहीं पैंदी इन्होंने वो एरिए चलवाते फोन करके, मतलब काम की दिख का फर्क कराउन दा सीगा, क्योंकि सुरेश जिहड़ा ना आ सुरेश की तरह चुंबड़ जाना काम किसी भी काम लई जद तई वो नहीं होना उन्हों फड़ी रखना, ये भी इन्हां दी खासियत आ। दूसरी खासियत बहुत सारिया ने, सवेर तो ही इन साड़ी जा ड्यूटी जी इंपलाई या कोई भी उन्हें ड्यूटी 9 बजे शुरू होंगी, इन्हें ड्यूटी 7 बजे शुरू हो जाती, 7 बजे मुंडे पाना लैके मेरा ख्याल नहीं रात दे दुकान तो बाद रात 10 बजे फिर ड्यूटी चक्कर लाने चक्कर लाने, मतलब शख्सियतां बहुत घट हुंदियां हन। इन्हां नूं इस कामयाबी दे होण ते असीं फिर एक बार बहुत मुबारकबाद दिंदे हां ते इन्हां दी चंगी सेहत लई आने वाले वधिया फ्यूचर लई फिर इन्हां लई बहुत बहुत बेस्ट विशेज सारे पूरे महल्ले। सब तो पहला स्टैलर न्यूज़ का बहुत धन्यवादी हाँ, मेरे 5 साल दे विच मेरा बहुत सहयोग दिता है, मेरा थोड़ा गला खराब आ माफ़ करना मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। मैं कमालपुर वार्ड नंबर 42 तो बतौर कौंसलर 2015 च कामयाब होया सी
10 मार्च 2020 तक मेरी टंड्योर सी और परमात्मा ने महामाई दी चिंतपुर्णी माँ की अपार कृपा नाल जिन्ना को बल शक्ति दिती मैं इस महल्ले की तह दिलों ईमानदारी दे नाल महल्ले दे विच काम कराए डिवेलपमेंट कराई। जदों मैं कौंसलर बनिया सी मेरे महल्ले दे विच सब तो वड्डी कंप्लेंट सी पानी दी पीण वाले पानी दी और कई मेरिया भैणा मेरिया मातावां बच्चे बेचारे पानी का टैंकर आना पानी की बाल्टियां भरनिया उपर कोठे ते घर आना कई बार चक्के ले जाना मैनू बड़ा महसूस हुंदा सी कि ये बड़ी वड्डी महल्ले च प्रॉब्लम आ। और मैं जितन तो पहला ही अपनी पार्टी के अहुदेदारा नाल और अपने साबका मंत्री तिक्षण सूद जी ने भी अगे रिक्वेस्ट की सी कि मेरे जितन की कामयाबी का ता ही फायदा आ कि इत्थे महल्ले दे विच एक नवा ट्यूबवैल वड्डा लवा दिता जाए। और सूद साहब ने उदों भरी सभा दे विच प्रोमिस किया सी और कि तुसीं बिट्टू भाटिया जिता दिओ ते मैं ट्यूबवैल इत्थे नवा लवा के दऊंगा। और मैं इस महल्ले दे कौंसलर होने के नाते उन्हां दा भी तह दिलों शुक्र गुजार हाँ। उन्होंने मेरी छोटी जी जड़ी बोल नूं पवाया और बड़े कंजस्टड एरिए दे विच कमालपुर गली नंबर 9 दे विच एक नवा ट्यूबवैल लवा के दिता वड्डा 27-28 लाख रुपए की लागत नाल ट्यूबवैल लगा। और हुशियारपुर दे विच मेरा ख्याल वह पहला वार्ड ऐसा होना आ जिहड़ा ट्यूबवैल जिन्नी मशीनरी उहदी बेसमेंट च लगी आ क्योंकि वो बाहर नज़र नहीं आता ट्यूबवैल लगा आ एक छोटा जिहा साइड ते पैनल लगा आ ऑन ऑफ दा जिहच बटन लगा आ सारी मशीनरी उहदी बेसमेंट च लगी आ और उहदे उपर इंटरलॉकिंग वधिया टैलां लगियां गड्डियां खड़ियां हुंदियां रात नूं कोई इदां दी प्रॉब्लम नहीं। और उस ट्यूबवैल दे नाल उस तों बाद अज तक 5 साल दे विच कोई भी महल्ले दे विच किसे घर दे विच पानी दी मुश्किल नहीं कदी भी आई। सब तो वड्डी अचीवमेंट सीगी जिहड़ा महल्ले दी डिमांड पूरी कीती गई। उस तों बाद आ जांदी गल इंटरलॉकिंग टैलां दी मैं मेरा ख्याल है लगभग कोई 2 करोड़ रुपए की लागत के नाल महल्ले दीआं इंटरलॉकिंग टैलां दे काम स्ट्रीट लाइटां दे काम मैं वख-वख गलियां जिहदा जिहड़ियां छोटियां गलियां सी 5-6 फुट चौड़ियां दोनों साइडां तों नालियां बंद करा के उत्थे इंटरलॉकिंग टैलां लवाईआं जिहड़ी ओह गली देखण नूं सुंदर और वधिया लगी। और लगभग मेरे 80% तों उपर वार्ड दे विच काम हो गए आ जिहड़े 20% काम रहिंदे भी सीगे ਉਹ ਸਾਲ ਕੁ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ 100% ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਮੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਊਗੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਯੂਥ ਆ ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜੂ ਗੌਰਵ ਹੁਰੀ ਔਰ ਦੀਪੂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੇ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਟਾਰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਐਮ ਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲਪੁਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯੂਥ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓਗੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਵੇ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਬਣਦੀ ਆ ਜਲਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ।
तह दिल के नाल ईमानदारी के नाल वार्ड नंबर 42 की सेवा की आ। मैं फिर सारे का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। द स्टैंडर्ड न्यूज़ के लिए संवाददाता गुरजीत सोनू के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट।